शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
आज तुम वक्त पर ना आ जाते तो हम तुम कभी ना मिल पाते। तुमने पुकारा और हम चले आए, चांद हथेली पर ले आए रे, गुले गुलजार चश्मे हमदम। ओ शहजादे, शैतान के उच्चे पर उठ गया। राजू 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 संचालक जी। हाँ, मैं तुझे कई सालों समझा रहा हूँ कि राजा महाराजा बनने खार छोड़ दे। ये एक यतीम खाना है, कोई राजा महाराजा का महल नहीं जो हर वक्त राजा महाराजा बनकर यह धुमाल करता रहता है। इस वक्त तो बकरे की मेमने की तरह आगे झपक झपक कर देख रहा है और ये भी जानता कि मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन संचालक जी ये मुझे शैतान कहता है। तुम चुप रहो, आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। कोई राजकुमारी आ रही है? हाँ, तुम ये यतीमों में कपड़े और मिठाइयाँ बांटने, लेकिन याद रखो, फिर कह देता हूँ, अगर तुमने उनके सामने कोई पागलपन किया तो हिंदुस्तान के सारे यतीमों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें खड़े के खड़े बाहर निकाल दूंगा। कुंवर साहब अब अजपुर चूंकि बिल्कुल फुर्सत से थे इसलिए साथ ले आई हमारे सर माथे पर। किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं, किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं, जो दे दे सहारा वो दर ढूंढते हैं। किसी मेहरबान की नजर ढूंढते हैं, किसी मेहरबान की नजर ढूंढते सदा हमने दी है, तुम्हारी गली में सदा हमने दी है, तुम्हें जिंदगी भर दुआ हमने दी है, तुम्हें जिंदगी भर दुआ हमने दी है, दुआओं का अपनी असर किसी मेहरबा की नजर ढूंढते हैं, किसी मेहरबा की नजर ढूंढते हैं। गुलशन में खिलती है खुशियाँ, कहीं ढूंढने से भी मिलती है खुशियाँ, मगर हम तो हैं खबर ढूंढते हैं, मगर हम तो खबर ढूंढते हैं, किसी मेहरबा की नजर ढूंढते हैं, किसी मेहरबा की नजर ढूंढते हैं, जो दे दे सहारा वो दर ढूंढते हैं।
राजू ये क्या हो गया है तुम्हें? राजकुमारी जी आप इसे माफ कर दीजिए। आप इन बदतमीज बच्चों के लिए चंदा मांगते हैं? ये पागल हो गया। पागल है तो पागलखाने भिजवाइए इसे। आप ही लोगों का सारा भगवान के लिए माफ कर दीजिए। ये नहीं बच्चों पर रहम कीजिए भगवान के लिए। चाय गरम गरम चाय पियो। ये ले पी ले। हमको नहीं चाहिए। क्यों? पैसा नहीं है। बस क्या एक लाफा मारेगा यार के साथ पैसे की बात करता है? आप उन मर गया क्या है? ये ले पी ले पी ले पी ले। अरे सुन तेरे माफे आपन को भी तो अनाथ आश्रम से हकाल दिया था। आपन भूखा मर गया था क्या? तेरी बात और थी मंदू। और तेरी बात अरे समझता क्यों नहीं? तेरे मुंह पे भी तो दाढ़ी मूछ आ गई है। दाढ़ी मूछ आ गई तो इसमें मेरा क्या गलती है? अरे तेरा गलती ये है कि दाढ़ी मूछ के साथ साथ तुझे अकल भी आया। और ये तो अच्छा हुआ कि अनाथ आश्रम वालों ने तुझे भी हकाल दिया। अब तू अक्सर दिन राजा साहब बनने के ख्वाब तो नहीं देखेगा, कुछ काम तो करेगा। अरे अपने दो हाथों से कमाएगा तो? दो हाथ का कमाई से दो टाइम का रोटी ही मिलेगा और क्या? और तेरे को दिन में 6 बार खाने को चाहिए क्या? नहीं हमको राजा साहब बनने का। जानता है आपको जानता है मेरे बाप खुदा करे तू राजा साहब बने, पर जब तक नहीं बनता तब तक पेट भरने के लिए कुछ करेगा या नहीं? हमको कौन सा काम आता है? कौन काम देगा हमको? अरे इसका जिम्मेवारी आपन पे छोड़ो हा? हम तुमको फर्स्ट क्लास काम दिलाएगा। कितने लीटर का? 10। मुंबई में इस तरह पानी भी नहीं बहाया जाता जिस तरह तुमने मेरा पेट्रोल बहा दिया है। उतारो वर्दी और जाओ यहाँ से। साहब जी आपके कुएं में तो बहुत पेट्रोल है, लेकिन अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। तुम जैसों को नौकरी मिली मिली जाइए। गेट आउट। साहब जी आई से गेट आउट। है एक ख्वाब राजू राजा राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब राजू राजा राजा साहब। राज है ना ताज है फिर भी मैं हूँ राजा साहब। राजू का है एक ख्वाब राजू राजा राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब राजू राजा राजा साहब। मेरे होंठों पे जो है दुख भरी कहानियां, मुझको इनसे प्यार है ये है
मेरी रानियां, अरे ये है मेरी रानियां, मेरा भी नहीं जवाब राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। मेरे गम पे है शबाब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। पैमाने हैं दर्द के, आंसुओं की है शराब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। राज है ना ताज है, फिर भी मैं हूँ राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब, राजू का है एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब। बाप रे, तुझे कितनी बार समझाया लेकिन तेरे भेजा में आता ही नहीं। राजू तू राजू पैदा हुआ था और राजू ही रहेगा, चाहे तू राजा बनने के ख्वाब देख या राजा साहब। देख अब आपन तुझको ये आखिरी चांस और दिलाता है। हाँ हाँ सच, चल मेरे साथ। और अब की बार तूने काम का टाइम में ख्वाब देखा तो तू जाने और तेरा तकदीर, आपन बस हो गया। चला बैठ 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 साहब, ये अपना राजू। आपन उस दिन एक छोकरा के बारे में बात किया था ना। हाँ राजू, तुमको मसाज करना आता? मसाज, मालिश, मालिश जिसम का मालिश। जिधर डेमालो साहब काम करता है ना, उधर कुछ छोकरा छोकरी लोग को मालिश का ट्रेनिंग के वास्ते मांगता है। लेकिन मुझे तो 150 रुपया पगार है। क्यों? और ऊपर से टिप्स 5-10 रुपए से कमती कोई नहीं देता। सेठ लोग, मिल मालिक, ब्रिटिश साहब, राजा महाराजा। हाँ राजा महाराजा, वो हमको अपने घर बुलाता, हमसे मसाज कराता और ऊपर से बड़ा बड़ा टिप देता। ये बात है तो हम भी मालिश वाला बनेगा, जरूर बनेगा। जी, यस, प्रणाम राजा साहब जी। नए आए हो जी? डिमेलो ने मुझे भेजा है जी। डिमेलो? ओ
राजा साहब ऊपर है, ऊपर वाले कमरे में है। और सुनो, राजा साहब को सोते में मालिश करवाने की आदत है, तेल लाए हो? जी जी। वो सीढ़ी देखते हो? जी। चढ़ जाओ ऊपर। जी जाओ। जी राजू साहब, राजू साहब, राजा साहब जी। तुम? जी मैं राजू, मालिश वाला। मालिश वाला या पालिश वाला? जी जी। मालिश करते वक्त उंगलियां ऐसे चलने चाहिए जैसे पियानो बज रहा हो। चलो बजाओ। जी मुझे पियानो बजाना नहीं आता। नहीं आता? कोई बात नहीं, तुम्हारा पियानो हम बजाएंगे। आप बजाएंगे? और नहीं तो क्या, हमारे स्वर्गीय पिताजी बजाएंगे। चलो लेटो। जी लेटो। उतारो। जी जी। कपड़े उतारो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? आज से तुम्हारा काम तो यहीं पे है। जी? हाँ, आज हम जिंदगी में पहली बार होते हैं। हम तुमसे बहुत खुश हैं और इसके बदले हम तुम्हारी हर खुशी पूरी करने को तैयार हैं। आप मेरी खुशी पूरी करेंगे राजा साहब जी? क्यों नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मांगो मांगो मांगो। मुझे अपनी तरह राजा बना दीजिए जी। राजा बनना चाहते हो? बना देंगे, बना देंगे। राजा बनने चाहते हो? ये क्या मुमकिन है? राजा बनाए नहीं जाते, वो तो पैदा होते। तो फिर मुझे भी पैदा कर दीजिए ना। What? आपने मेरी खुशी पूछी थी कि मैंने बता दी। लेकिन तुम क्या समझते हो राजे महाराजे खुश होते हैं? कभी नहीं। हमें ही देख लो, हमारे पास ये महल, दौलत, नौकर चाकर, कारें, सब कुछ है, लेकिन लेकिन जी आपके लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं, क्योंकि आपके पास ये सब है। इसलिए लेकिन Yes. Excuse me, राजा साहब, राठौड़गढ़ से दाऊजी का ट्रंक कॉल। क्या फरमाते हैं? उनकी पोती राजकुमारी पूनम ने जो आपसे बदसलूकी की थी उसकी माफी मांगना चाहते हैं। माफ कर दिया जाए। Sure. Excuse me. वो माफी आपसे मांगना चाहते हैं। Uh-huh. Should I give the line? Sure. Okay. Hey. Come. Hello. Come down.
जय देवा दाऊ जी, मैं प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जय देवा बेटे, हमें मालूम हुआ कि तुम टोक्यो से आ गए हो, और पूनम ने ये भी बताया कि टोक्यो से स्विट्जरलैंड तुमने उसे खत लिखा था। और जवाब है जो खत उसने मुझे लिखा, अगर आपको लिखती तो आप मारे शर्म के डूब मरते। हम जानते हैं बेटा, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से आज तक मिले भी तो नहीं। और नहीं, हम उसे मिलना चाहते हैं। हमें उसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। बेटे प्रताप, हम नहीं चाहते कि बुजुर्गों के किए हुए फैसले को तुम बच्चे आपस की नोकझोंक में भूल जाओ। अब वो मौका आ गया है कि हम तुम दोनों की शादी कर दें। लेकिन मैं सुनो, पूनम अफसानी हो गई है और कुंवर साहब ऑफ अर्जपुर ने भी वही अर्जी भेजी होगी। दाऊ जी, उसे फौरन मंजूर कर लीजिए। उस बदतमीज लड़की के लिए ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। प्रताप सिंह, हम चाहते हैं पूनम और तुम एक बार एक दूसरे से मिल लो। कुछ दिन साथ रहोगे तो एक दूसरे को समझ जाओगे, तो शायद आपस की नाराजगी दूर रहे। लेकिन दाऊ जी, मैं यह हमारा हुक्म है, पहली तारीख की शाम को तुम ओबेरॉय पैलेस श्रीनगर में पहुंच जाओ, पूनम तुम्हें वहीं मिलेगी। जय देवा। देखा तुमने, राजे महाराजों को शादियां भी हुक्म के मुताबिक करनी पड़ती है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम उस बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लेंगे। सुनो, तुम राजा बनना चाहते हो ना जी? तो हम तुम्हें राजा बनाएंगे। बनाएंगे जी? जरूर, हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे और राजा साहब प्रताप सिंह ऑफ चंडीनगर बनाकर कश्मीर ले जाएंगे। सच कहते हैं जी? हाँ, और वहां तुम्हारी मुलाकात राजकुमारी पूनम से कराएंगे। कराएंगे जी? हाँ, और फिर जानते हो तुम क्या करोगे? हाँ जी, मैं हाथ जोड़कर सब झुकाकर प्रणाम करूंगा और मिलने का धन्यवाद बोलूंगा जी। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, बल्कि तुम उसकी वैसे ही बेइज्जती करोगे जैसे उसने खत में हमारी की थी। लेकिन राजा साहब जी, मैं गरीब अनाथ एक राजकुमारी जी की बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ जी? तुम उस वक्त गरीब अनाथ नहीं बल्कि राजा साहब होगे। तुम्हारी जेबें नोटों से भरी होंगी, तुम्हारे पास बढ़िया कपड़े होंगे, शानदार गाड़ी होगी और हीरो कट बाल। Yeah!
हुजूर। यस। जरा इधर तो देखिए। देख रहे हैं? मेरी तरफ नहीं हुजूर, इधर। कौन है ये? पहचानिए। ओ राजू, राजू, ओ व्हाट ए वंडरफुल चेंज, क्या तब्दीली है। एडी सिंह। जी हुजूर। कल सुबह हम राजू को लेके श्रीनगर जाएंगे। आई से हवाई जहाज की 2 सीटों का इंतजाम किया जाए। बहुत बेहतर। राजकुमारी अभी आती होगी। हमें यकीन है कि तुमसे मिलने के फौरन बाद वो तुम्हें राजा साहब समझकर उस खत की माफी मांगेगी और कहेगी, सॉरी, मैंने भूल से आपको ऐसा खत लिख दिया था। लेकिन तुम क्या ना, खत? कौन सा खत? हमें तो कोई खत नहीं मिला, और अगर मिला भी होगा तो हमने बिना पढ़े रद्दी की टोकरी में फेंक दिया होगा। समझ गए? चलो बोलो, रिपीट। सॉरी, मैंने भूल से आपको ऐसा खत लिख दिया था। नो नो, ये जनाना हिस्सा राजकुमारी का है, मर्दाना हिस्सा बोलो उसके आगे वाला। बोलो खत? कौन सा खत जी? हमें कोई खत नहीं मिला जी, और अगर मिला भी होगा तो हमने बगैर पढ़े उसे कचरे की टोकरी में फेंक दिया जी। गुड, वेरी गुड। उसके बाद तुम कहना, दाऊ जी ने तो कहा था कि आप बहुत खूबसूरत हैं, खूबपरी हैं, लेकिन समझे कोई खास दम नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरी हांगकांग वाली सेक्रेटरी है। लेकिन ये सब मैं उनसे कहूंगा किस वक्त जी? उनके पहुंचने के फौरन बाद, लॉन्च में। तो फिर चलिए ना जी, वो पहुंचती होंगी। ओह नो, उनकी बेइज्जती तो इस तरह शुरू होगी कि जब वो यहाँ पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए हम नहीं, हमारा मतलब है तुम नहीं, बल्कि वो कार्टून कुंवर साहब होंगे जी। कुंवर साहब? यस, एक फर्टीचर स्टेट के कुंवर है, राजकुमारी से शादी करके अमीर बनना चाहते हैं और इसलिए यहाँ पे आए हुए। गुड मॉर्निंग पूनम देवी, वेलकम टू श्रीनगर। थैंक यू। आइए। ए, जैसा हमने समझाया था सब याद है ना? खत? कौन सा खत? हमें कोई खत नहीं मिला जी, अगर मिला भी तो हमने कैसे? ओहो, अभी नहीं बोलना है, जब वो आएगी उसके सामने बोलना। आगे, आगे, आगे। खत? कौन सा खत? हमें कोई खत नहीं। राजा साहब प्रताप सिंह ऑफ चंडीगढ़, राजकुमारी पूनम देवी ऑफ राठौड़गढ़। बैठिए जी। आप ही बैठिए। ओह, हम अभी तक खड़े हैं। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हम आपसे पहले कभी मिले तो नहीं, लेकिन आपकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगी। हमारी सूरत? राजकुमारी जी, दरअसल बात यह है, राजा साहब की सूरत फिल्म एक्टर शशि कपूर से बहुत मिलती जुलती है, हो सकता है आपने उनकी कोई पुरानी फिल्म देखी होगी। ऑफ कोर्स। आप फौरन से वापस कब आए? खत? कौन सा खत? हमें कोई खत नहीं मिला जी, और अगर मिला भी होगा तो हमने कचरे की टोकरी में फेंक दिया जी। आप कौन से खत की बात कर रहे हैं? खत? कौन सा खत? हमें कोई खत नहीं मिला जी, और अगर मिला भी होगा तो हमने कचरे की टोकरी में फेंक दिया जी। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? जी, हम देख रहे हैं कि आप कितनी कितनी हसीन हैं। खत? कौन सा खत? हमें कोई खत नहीं मिला जी, और अगर मिला भी होगा तो हमने कचरे। एक्सक्यूज मी, बाय द वे, आपका सब सामान रखवा दिया गया पूनम। थैंक यू। और साहब, राजा साहब। लगता है जैसे आपको कहीं पहले भी देखा, आपसे मुलाकात हो चुकी है। हम भी यही समझते थे, लेकिन इनकी शक्ल फिल्म एक्टर शशि कपूर से मिलती है।
Oh, I see. Oh, now I remember. मैंने उसकी एक पिक्चर देखी थी. क्या नाम था उसका? शेक्सपियर वाली. कुंवर साहब, आप भूल रहे हैं. आपने हंटर वाली देखी होगी. But it doesn't matter. शेक्सपियर वाली, हंटर वाली, वाली तो है. खत कौन सा खत? हमें कोई खत नहीं मिला जी. और अगर मिला भी तो हमने बिना पढ़े कच्चे की टोकरी में फेंक दिया जी. खत कौन सा? चलो चलो चलो, हमने गुस्से में दांत पीसे हैं. ऊपर से आग मारी, नीचे से टांग मारी, लेकिन तुम मुस्कुरा मुस्कुरा के उस पूनम की बच्ची को देखते रहे. क्या हम तुमको इसलिए कश्मीर लाए थे? लेकिन राजा साहब जी, ये वही राजकुमारी जी हैं जी. राजकुमारी वही हो या कोई और, याद रखो, अगर आज रात की पार्टी में तुमने उसकी बेइज्जती ना की तो यहाँ आने का, यहाँ रहने का और यहाँ से जाने का सारा खर्चा तुमको देना होगा. लेकिन इतना खर्चा मैं जिंदगी भर नहीं दे सकूंगा जी. अच्छा राजा साहब जी, बाकी जो कहना है आप बता दीजिए, मैं साफ उनके मुंह पर कह दूंगा जी. शाबाश, तो फिर तुम सबके सामने कह देना कि वो बदसूरत है, कद की छोटी है, कमर से मोटी है, आंख की भेंगी है और नाक की चपटी है. लेकिन ये तो सरासर झूठ है जी, वो तो बहुत खूबसूरत है. शराब, खूबसूरत हो या हूरपरी, तुम वही कहोगे जो हम कह रहे हैं जी. और सुनो, हम तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, दूर से तुमको सब इशारा करते रहेंगे कि तुमको कब हंसना है, कब मुस्कुराना है, कब दांत निकालने हैं और कब रोना है, समझे जी. मैं जो कह रही थी वो Isn't she cute, Mrs. Spencer? Oh, she's marvelous. Look at her. She talks. When I was in school. On the stage? Yeah. Oh, of course, cute. Oh, and she told me about it too. Oh, she must have been pretty, pretty. Achha. Raja sahab. Raja sahab. Suno. यही मौका है, जाते ही उसकी बेइज्जती कर दो. चलो. एक्सक्यूज अस. जी अफसोस, हमें आने में कुछ देर हो गई. इट्स परफेक्टली ऑल. ना जी, दरअसल हमें पूनम कह रही है, एक ले लीजिए ना. चेस. अजीब बात है, आप सारी जिंदगी बाहर के मुल्कों में रहे, लेकिन जी संचालक जी कहते थे कि नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए जी. और संचालक जी ने संचालक जी ये मेरे पिताजी के बारे में कह रहे थे. संचालक सिंह उनका नाम था और फॉरेन कंट्रीज में वही इनके साथ गए. डिनर इज सर्व, चलिए खाना खाएं. आप थी यू राजा साहब के लिए पटियाला. राजा साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं जी, आपके लिए एक खास ड्रिंक. शुक्रिया. तो हम कह रहे थे कि 5 मई का दिन हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर ही आता है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा. जैसे? जैसे कि हम पैदा ही 5 मई को हुए थे. कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात. और जिस दिन हमें डर्बी कप जीतने की खबर मिली वो भी 5 मई का ही था. रियली? हमें आपसे पूरी हमदर्दी है राजकुमारी जी, पूरी हमदर्दी जी. और 5 मई को ही हमारे डैडी और मम्मी एयर क्रैश में मारे गए. खत कौन सा खत जी? हमें कोई खत नहीं मिला जी. और अगर मिले भी तो हमने कच्ची टोकरी में फेंक दी जी. हमें कोई खत मिला जी. खत 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 खत
सुबह हो लेने दो, तुम्हारी ऐसी खबर लेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। चाबी? ओहो, अरे ठीक से खड़ा रहो, चलो खड़े हो जाओ, हम अभी चाबी लेके आते हैं। एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। गुल ऐसे क्यों शर्माता था, वो क्या जाने उस। कौन है, कौन है? राजा साहब। राजकुमारी जी, आप यहाँ इस वक्त इतनी रात को क्या कह रहे जी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा कमरा है, चली जाइए यहाँ से। मैं क्या कर रही हूँ? आपका कमरा? मैं समझ गया, ये मेरा कमरा था। मेरा कमरा चाहिए ना। काम दो। एडीसी, उसे फौरन पकड़ के लाओ, लाके दीवार तक बांध दो, हम उसको गोली से मारेंगे। शॉट मिला, जरूर उस चोर का है। लेकिन चोर कपड़े उतार कर क्यों चोरी कर रहा था? माफ कीजिएगा, ये सूट चोर का नहीं, राजा साहब। जी हाँ, जल्दी में यही छोड़ गए थे। बाय द वे राजकुमारी जी, आपका गव, लवली गव। कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, एक्सक्यूज मी, अरे भाई उठ, उठो उठो, अरे उठो, हमसे मुबारकबाद दे लो, उठो, अरे उठो उठो। हमने तो तुम्हें सिर्फ राजा साहब बनाया था, लेकिन तुम तो उस्ताद पेत्रो निकले। जानते हो, कल तुमने पूनम की बच्ची की ऐसी बेइज्जती की कि वो सारी जिंदगी रोती रहेगी। जी, मैंने राजकुमारी जी की बेइज्जती की? भूल गए, कल तुम उसके बिस्तर पर थे। जी हम जब तुम्हारे कपड़े लेने और पूनम का गाउन वापस करने गए तो कुछ ना पूछो, माने शर्म की उसकी बुरी हालत हो गई। मालूम होता है सुबह की सैर के लिए आज वो बागीचे में भी नहीं आई। कहीं भी नहीं, दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं। अरे ये कौन है? अरे वाह, राजकुमारी जी। अरे ये तुम्हारी राजकुमारी नहीं, ये तो मेरे दिल की राजकुमारी है। वाह 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 वाह, आह, वही चेहरा, वही बूटा सा कद, वही मतवाली चाल जिसे मैंने बैंकॉक और हांगकांग में ढूंढा। लो लो, तुम ही देखो, हम चलते हैं और हमारे आने तक एक और नई स्कीम तैयार रखना। ओके, एक्सक्यूज मी। मैंने राजकुमारी जी की बेइज्जती की,
ये? राजकुमारी जी, कल रात की हरकत पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जी। कल रात के बारे में हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हेलो, क्या है ये? पूछो कि क्या नहीं है। रियासत चंदीनगर का महाराज तुम्हारे सामने खड़ा है। मेरी कश्मीर की गली, बर्फी की डली, दुनिया की सारी दौलत तेरे कदमों पे निसार कर देंगे, अपने आप को तेरे गले का हार कर देंगे। ए, जरा हट के बात कर वरना थप्पड़ मारूंगी। हाँ हाय 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 हाय, अरे थप्पड़ तो क्या दिल नशी मेरे कश्मीरी कालीन, अगर तुम हमें जान से भी मार डालो तो भी हम नहीं मरेंगे। हम आशिक मरते नहीं, अमर होते हैं। मैं कहती हूँ अभी हट जा, मेरे बाबा ने देख लिया तो जान से मार डालेंगे। आई बाबा, आपका मतलब है मेरे होने वाले ससुर? मैं कहती हूँ भला इसी में अभी चले जाओ वरना बाबा 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 बाबा, तुम्हारा बाबा कोई जिनभूत है क्या? क्या कहा था तुमने? हमने हमने का बच्चे सुनिए जी, सुनिए जी, हमें कुछ नहीं सुनना है। अच्छा मत सुनिए, सिर्फ एक बार मेरी सूरत देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ जी। आपकी शराफत का अंदाजा हमें कल रात ही हो गया था। वो रात वाली बात भूल जाइए राजकुमारी जी, क्योंकि कल रात वो मैं नहीं, मेरे अंदर कोई और था जी। कल रात वाली मुलाकात के लिए, हर बात के लिए माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। कल रात वाली मुलाकात के लिए, हर बात के लिए माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। देखिए मेरी सूरत देखिए, सीधी सादी भोली भाली मेरी मूरत देखिए, आदमी शरीफ नहीं हूँ मैं क्या भला, काबिले तारीफ नहीं हूँ मैं क्या भला। आप ही ये इंसाफ कीजिए, आप ही ये इंसाफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। मेरी क्या मजाल है जो मैं दामन थाम लूं, तौबा तौबा मेरी तौबा आपका मैं नाम लूं। वो परवाना वो मस्ताना कोई और था, मैं नहीं था वो दीवाना कोई और था। मान जाइए दिल साफ कीजिए, मान जाइए दिल साफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। जनाब ये मेरी
पहली भूल है, पहली भूल माफ हो, ये दुनिया का उसूल है। पाप जो ना होंगे आज हम पे मेहरबान, पाप को सितम कर कहेगा ये जहां। रात वाली मुलाकात के लिए, हर बात के लिए माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। आखिर क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते तुम उसकी बेइज्जती? इंसान जिसे चाहता है राजा साहब जी, वो उसकी इज्जत करता है, बेइज्जती नहीं। क्या? मैं शायद उन्हें उसी दिन से चाहने लगा था जी, जिस दिन मैंने उन्हें पहली बार देखा था। राजा साहब जी, आपके मुझ पे बहुत एहसान है जी, आप चाहें तो मेरी जान भी ले लें, लेकिन मुझे राजकुमारी जी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए ना कहें, ये मुझसे नहीं हो सकेगा जी, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकूंगा जी। राजू, तुमने हमें हंसना सिखाया है, तुम क्या समझते हो हम तुम्हारी आंखों में आंसू देखना पसंद करेंगे? नहीं, हम वादा करते हैं कि पूनम तुम्हारी होकर रहेगी। लेकिन जी, वो एक राजकुमारी जी हैं और मैं एक अनाथ। मोहब्बत अगर सोने चांदी की दीवारें ना तोड़ सके तो वो मोहब्बत ही क्या? सुनो, पूनम ने अभी तुम्हें माफ नहीं किया ना? नहीं, लेकिन उन्होंने कुंवर से आपको आज रात पार्टी पे बुलाया। कोई बात नहीं, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। तुम देखना, रात की पार्टी में पूनम के साथ कुंवर साहब नहीं, राजू साहब होंगे। चलो हंसो, हंसो, आओ आओ। ये समझो कि आधा मैदान तो हमने मार लिया, अब रहा बाकी का आधा, सो रात वाली पार्टी में मार लेंगे। लेकिन कौर साहब, मुझे ऐसा लगता है वो आप दोनों को बेवकूफ बना रहे। क्या कहा? मेरा मतलब है बेवकूफ बनाने की कोशिश कर। ओह नो, यू डोंट अंडरस्टैंड, शी इज इन लव विद मी। श्योर साहब। जगत सिंह वो तो हमसे प्यार करती है। देखा, वो उसका टेलीफोन भी आ गया। यस सर। हेलो स्वीटहार्ट, यस दिस इज कुंवर स्पीकिंग। जय देव कुंवर साहब। हम राजा साहब बोल रहे हैं। फरमाइए। वो हमारा एडीसी था ना जी, वो बदमाश हमारी नौकरी छोड़कर चला गया है, शायद आपके पास आए। आप उसकी किसी बात पर ध्यान मत दीजिएगा जी। जी नहीं, मुंह ना लगाएंगे उसे। थैंक यू। उसका एडीसी नौकरी छोड़कर चला गया, क्यों? तनख्वाह नहीं दी हो? नौकमत, सॉरी सर, वो राजा हमारी तरह नहीं जो अपने एडीसी को तनख्वाह भी ना दे सके। ये भी ठीक है, बात जरूर कुछ और है। हमें जय देवा। अरसपुर के कुंवर साहब, इस नाचीज की एक अर्ज है। ओ? मुझे अपना एडीसी रख लीजिए। मेरा मतलब है आपके एडीसी का एडीसी रख लीजिए। चलो ये बताओ कि राजा साहब ने तुम्हें निकाला क्यों? मुझे निकाला नहीं, बल्कि मैं खुद निकल गया। वो चाहते हैं कि मैं आपके और राजकुमारी के बीच में दीवार बन जाऊं। दीवार? जी हाँ, राजकुमारी का कहना है कि उन्होंने चीन के चीनी, जापान के जापानी, अफ्रीका के अफ्रीकी, इंग्लैंड के इंग्लैंडी देखे, लेकिन आप जैसा शूरवीर नौजवान कभी नहीं देखा। राजकुमारी जी, जब आप कुंवर साहब को भी पसंद नहीं करती तो आज रात की पार्टी में उन्हें दावत क्यों दी? ताकि राजा साहब चलकर वापस चले जाए। आखिर आप उन दोनों को साफ साफ क्यों नहीं कह देती? उनसे साफ साफ कह दूंगी तो दाऊ जी हमारी जान ले लेंगे, समझी? जी। नमस्ते राजकुमारी जी। नमस्ते। कहिए,
जी, जो इंसान गलती करके माफी मांग ले उसे बहुत बड़ा समझा जाता है जी, लेकिन उससे भी बड़ा होता है वो जो कि माफ कर दे। अगर आप ये फूल स्वीकार कर लें तो मैं समझूंगा आपने मेरी गुस्ताखी को माफ कर दिया जी। आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते? जी, और राजकुमारी का फर्दर कहना है कि देसी घी के पराठे और मांस की दाल खा खा के आपके चेहरे पे जो तपश है वो उसमें तप रही है। ओह, और रोमांटिक, लेकिन ये देसी घी के पराठे और मांस की दाल तो हमने कभी नहीं खाई। आपके पिताजी ने तो खाई है, आखिर खुद तो एक ही है। दैट इज करेक्ट, दैट इज वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। लेकिन ये राय साहब तुमसे क्या चाहते हैं? आप दोनों प्रेमियों को एक दूसरे से जुदा रखना। कुंवर साहब, आप जानते हैं आज शाम को राजा साहब ने एक फैंसी ड्रेस शो रखा है जिसमें सबको बुलाया है सिवाय आप। हमारे पास तो वैसे भी टाइम नहीं है, हम तो रात वाली पार्टी में। मैं जानता हूँ कुंवर साहब, लेकिन शो रात की पार्टी से पहले है और राजकुमारी भी इसमें जा रही है और हमें खबर ही नहीं। यही तो राजा साहब की चाल है। एक्सक्यूज मी, मैं समझ गया। नमस्कार भैया। थैंक यू। बस कुमार साहब, मैं यही कहने आया था कि राजकुमारी वहां सुभद्रा बन के जा रही है। सुभद्रे, मेरी आप मानिए तो आप राजकुमारी के कमरे में फौरन अर्जुन बन के पहुंच जाइए। बैड आइडिया। और जैसे अर्जुन ने सुभद्रा हरण किया था वैसे ही आप पूनम को हरण कर लीजिए। और मैं शर्तिया कहता हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी इनाम आप ही को मिलेगा। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। लेकिन लेकिन हमें अर्जुन की वर्दी कहां से मिलेगी? वर्दी, इस सर्दी में वर्दी की कोई कमी नहीं। इतनी ड्रामा कंपनियां बेकार पड़ी हैं। एक नंबर घुमाइए, पूरी महाभारत की वर्दियां पहुंच जाएंगी। रियली? रियली। फिर हम अभी घुमाते हैं। फौरन घुमाइए। कितने अच्छे कुंवर जी हैं आप। सुभद्रे, सुभद्रे, आत्मा, दिल पे हाथ रखना भूल गया। सुभद्रे, आत्मा है तड़पे, दिल नहीं है शांत। आओ प्रिय, चले वहां जहां हो एकांत। ये क्या बात है? हम जानते थे हमारी सुभद्रे लोक लज्जा से शर्माएगी, घबराएगी, हमारे साथ नहीं आएगी, लेकिन हम उसे अपने कांधे पे उठा के ले जाएंगे। कुंवर साहब, कुंवर साहब नहीं, पुत्र अर्जुन कहो, अर्जुन कहो। प्रिय, आप इस वक्त यहाँ से चले जाइए, आपने शराब पी हुई है। नहीं नहीं नहीं, शराब नहीं, सोमरस, सोमरस। राजकुमारी जी, राजा साहब, आप जैसा बदतमीज और बेवकूफ आदमी हमने जिंदगी भर नहीं देखा। लेकिन राजकुमारी जी, ये सब तो सब राजा साहब के एडीसी ने किया। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कुमार साहब जी कि उनकी किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिएगा। कहाँ है, कहाँ है वो? क्या? हम जबरदस्ती करेंगे। तुमने अर्जुन का गड़ा नहीं देखा और तुमने हमारा कुल्हाड़ा नहीं देखा। अर्जुन के गड़े के सामने कोई कुल्हाड़ा काम नहीं कर सकता। निकाल प्रभु। हे क्या अन्याय, अन्याय। पूनम, आज तो हम दोनों डोंगे में जाने वाले थे ना? थे नहीं, जा रहे। चलिए राजा साहब।
राजा साहब। जी। आप खाते हैं ठीक है? एक बात पूछूं राजकुमारी जी। कहिए। क्या आपने भी कभी ख्वाब देखे हैं? हाँ, बचपन में। क्या क्या वो पूरे हुए? राजा साहब, ख्वाब उसे कहते हैं जो कभी हकीकत न बने। राजकुमारी जी, एक्सक्यूज मी। जी। कुंवर साहब गए? जी हाँ, डेढ़ बॉटल स्कॉच और पी, बाहर का शीशा तोड़ा, एक बेरी का माथा फोड़ा और कश्मीर छोड़ गए। गुड, एक से तो छुटकारा मिल गया। लेकिन देखिए अब इस राजा साहब का क्या किया जाए? इनसे पीछा छुड़ाने का भी कोई ना कोई तरीका सोचना ही पड़ेगा। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपको कोई तरीका सोचना नहीं पड़ेगा राजकुमारी जी। राजा साहब, आपने सच ही कहा था जी, ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते। फिर भला मेरा ख्वाब कैसे हकीकत बन जाता? जाने अनजाने में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा राजकुमारी जी। जो इंसान गलती करके माफी मांग ले उसे बहुत बड़ा समझा जाता है जी, लेकिन सभी बड़ा होता है वो जो फिर माफ कर दे। आपने सच ही कहा था जी, ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते। फिर भला मेरा ख्वाब कैसे हकीकत बन जाता? जाने अनजाने में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिए राजकुमारी जी। जाने अनजाने में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिए। कर देता हूं, आप स्टार्ट कीजिए, शायद निकल जाए। हम कल रात के बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा हैं राजा साहब जी। हम सारी रात सोचते रहे जी। मैं भी पूरी रात नहीं सो पाया जी। हमने सुबह फोन भी करवाया था जी। हाँ, मैंने रिसीव किया था जी, पर हमें तो कहा गया था कि आप सो रहे हैं जी। जी हाँ, उस वक्त सो रहे थे लेकिन अब जाग गए। भगवान का नाम लेकर चाबी घुमाइए जी, एक ही धक्के में गाड़ी पार हो जाएगी जी।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ राजकुमारी जी। आप जिससे इतना बच रही थी वह आपके दामन से आ ही लगा। कौन? कीचड़। ओह, अब क्या होगा? होगा क्या, कीचड़ बनाने वाले ने पानी भी बनाया है जी। एक डुबकी लगवाऊंगा सब साफ हो जाएगा। आइए जी। डुबकी लगाऊंगी तो निमोनिया हो जाएगा। देखिए जी, जिसने ठंडा पानी बनाया है उसने गर्म आग भी बनाई है, तो घड़ी तापेंगे ठीक हो जाएंगे। नहीं। देखिए जी, जैसे मैं करता हूँ वैसे कीजिए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जैसे मैंने किया वैसे कीजिए। आइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं रेडियम भर्गो देवस्य धीमहि। जी नहीं, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं जी। तो आप आधा ले लीजिए। वो कैसे? इधर तो आइए। ये लीजिए, यहां नहीं, यहां। नहीं तो जी, आपको सर्दी लग रही थी ना जी। सर्दी तो आपको भी लग रही थी, लेकिन इससे पहले शायद हमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, मगर आज का दिन भी हमें हमेशा याद रहेगा। जी हाँ, आज के दिन भी क्या क्या नहीं हुआ जी। आपकी गाड़ी का कीचड़ में फंसना, मेरा धक्का लगाना, गाड़ी का निकलना, मेरा कीचड़ में गिरना, आपका मुझे सहारा देना, फिर ठंडे पानी में डुबकी लगाना, गर्मा की लहू में बैठना, एक दूसरे से नजरें बचाकर, फिर भी इतने करीब। जानती हैं ये सब आज ही के दिन क्यों होना था? क्योंकि आज 5 मई का दिन है जी, और ये दिन आपकी जिंदगी में अच्छा या बुरा कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर ही आता है ना। नाम दे दिया जान मन जान जा हमने आज से
ये नाम दे दिया। इस बहाने प्यार का पैगाम दे दिया। जाने मन जाने मन जाने जा जाने जा। का कुछ जवाब दो, ऐसे हो क्यों चुपचाप से, ऐसे हो क्यों चुपचाप से। बाबा के अंदर खाना बना रहा है? वो देखो लकड़ी काट रहा है। काटने दो, मैं उसको भी काट लूंगा। हमेश बहार। अरे तुमको हमारा नाम कैसे मालूम? मैंने तुम्हारा नाम किस किस से नहीं पूछा, मैंने तुम्हारा डोंगा कहां कहां नहीं ढूंढा। अपनी जान की बाजी लगाकर
होटल ओबेरॉय से आ रहा हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। ए साहब, एक बात तो बता। पूछो। क्या तुम सचमुच का राजा है? अब बोलो हमेश बहार, तुम बनोगी ना मेरी क्वीन विक्टोरिया? क्या? मेरा मतलब है हमारे चंदीनगर की महारानी। हाँ। बनोगी ना हमारे होने वाले पिल्लो की माता जी? हाँ 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 हाँ, जियो मेरी बुलबुल, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुम पहली कन्या हो जो कहती हो हाँ और फिर हाँ। ना, ना। अरे कैसी लड़की हो, अभी अभी हाँ और फिर ना? हमेश बहार, तुमने कोई जंगली सुअर तो नहीं देख लिया? सुअर का बच्चा। नाम से ना पुकारा कीजिए जी। लेकिन हमें ये प्रताप सिंह नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद जी। तो फिर हम आपको किस नाम से पुकारें? राजू। अच्छा राजू साहब, आज हमें अपनी रियासत के बारे में कुछ बताइए ना। रियासत? हाँ, चंडीनगर। कुल कितनी आबादी होगी वहाँ? आबादी बहुत ज्यादा, पूरे हिंदुस्तान की तरह उतनी जितनी होनी नहीं चाहिए जी। ओ, हम सोच रहे थे हम कभी वहां चले। आजकल मौसम कैसा होगा? आजकल कश्मीर से अच्छा नहीं होगा जी, मेरा ख्याल है आप यहीं रहना चाहिए। चलिए जी मंदिर चलें। क्या आप यही चाहते कि हम आपकी रियासत में जाएं? नहीं, ये बात नहीं है जी। तो क्या बात? सच सच बताइए ना, क्या बात है? कोई बात नहीं। बोलिए ना, आप बताते क्यों नहीं, बताइए ना। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। Thank you.
हेलो। शुक्र है आपकी आंख तो खुली। लेकिन बहुत देर से खुली मेरे आंख जी। हमने सोचा आज रात दल्ले की सैर की जाए। इस वक्त हमें आपसे कुछ कहना है। शायद मुझे भी आपसे कुछ कहना है जी। तो आ जाइए ना जी। राजू साहब आप इतने खामोश क्यों हैं? नींद से उठाया इसलिए? नहीं, वो तो आपने बहुत ही अच्छा किया। फिर आप इतने उदास क्यों हैं? आज तो आपको भी बहुत खुश होना चाहिए। क्यों, आज क्या बात है? आज नहीं, कल दाऊ जी आ रहे हैं। जानते हैं जब हमने चंकोल पे उन्हें आपके बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुए। क्या बताया मेरे बारे में आपने? यही कि हमारे राजा साहब हमें बहुत बहुत अच्छे लगे। अब जबकि नींद खुली गई है तो एक बात पूछूं? कहिए। अगर मैं राजा ना होता बल्कि एक... क्यों ना होती? नहीं, फर्ज कीजिए अगर मैं एक गरीब मजदूर होता या एक मामूली क्लर्क या एक यतीम, तो क्या तब भी आप दाऊ जी से मेरे बारे में बात करती? नेवर। तब तो आपकी और हमारी मुलाकात भी ना होती। और अगर आपकी बात से एक बात याद आ गई, दाऊ जी के कहने पर एक बार हम यतीम खाने गए थे, वह एक यतीम ने हमें गले से लगा लिया, जी चाहा उसे गोली से उड़ा दी। और मजे की बात तो ये है कि उस कमबख्त की शक्ल भी आपसे कुछ मिलती जुलती थी। लेकिन सिर्फ शक्ल मिलने से क्या होता है, मोहब्बत करने के लिए भी इंसान की एक हैसियत होनी चाहिए, है ना? हाँ, लेकिन मुझे बताइए अगर वो अनाथ आपसे प्यार करने लग जाता तो? तो शायद उसे खुदकुशी करनी पड़ती। आप तो जानते हैं सिर्फ मोहब्बत के सहारे इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इज्जत मान दौलत ये भी तो चाहिए इंसान को। क्यों? शायद आप ठीक ही कह रही हैं। लेकिन हमें इन बातों से क्या? क्यों राजू साहब? हाँ, हमें इन बातों से क्या? राजा साहब, ओ दाऊ जी। राजा साहब, अगर आप राजा साहब हैं तो वो कौन था? वो बेचारा यतीम था लेकिन ख्वाब देखता था राजा साहब बनने के। हमने उसे पागलपन का फायदा उठाया और अपनी जगह उसे राजा साहब बना कर लिया है ताकि हम उस बेइज्जती का बदला ले सकें जो आपने उस खत में हमारी की थी। लेकिन वो आपकी बेइज्जती ना कर सका क्योंकि वो आपसे प्यार करने लगा था। लेकिन वो क्यों चला गया? उसे डर था
कि असलियत जानने के बाद आपकी आंखों में नफरत देखकर वो खुद अपनी नजरों में गिर जाएगा। जाने से पहले उसने कहा था कि राजकुमारी जी से कह देना कि वो वही अनाथ था जिसने एक बार आपको गले से लगाया था और आपका जी चाहा था कि उसे गोली छोड़े। कोई धोखेबाज बेरुपिया था, फरेब देकर खुशियां हासिल करना चाहता था, लेकिन दाऊ जी के आने की खबर पाकर चले जाना ही बेहतर समझा। और उसने ये भी कहा कि आप उससे नफरत करने लगे, उसे हमेशा के लिए भूल जाएं। लेकिन हकीकत यह है, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक यतीम था और एक राजकुमारी से मोहब्बत कर बैठा। आप शायद उसे भूल ना सके, लेकिन उसे माफ जरूर कर दीजिए। Thank you.
प्रताप, हमें ट्रंक कॉल पे बताया गया वो तुमसे और तुम उससे शादी करना चाहते हो। यहाँ आके हमने देखा वो अपने कमरे में पड़ी रो रही है और तुम यहाँ बैठे बियर पी रहे हो। आखिर क्या माजरा है? दाऊ जी, ना तो ये बाजरा है और ना बाजरे की रोटी, इसे कहते हैं मोहब्बत यानी कि इश्क। नहीं समझे तो कविराज हरनाम दास की मशहूर मारूफ किताब हिदायतनामा इस पढ़िए। चलो मैं ये क्या बातें मिलती है? सुनिए दाऊ जी, दाऊ जी जाते कहाँ हो मुझो वाले भोले भाले, दाऊ जी नाचो गाओ खुशियाँ बनाओ। हट जाओ, छोड़ दो हमें, बदतमीज पागल गधा कहीं का, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यही कि आपका दामाद आपसे प्यार कर रहा है। झटक, आपके रास्ते से हटने का भी क्या तरीका निकाला है राजा साहब ने। राजकुमारी जी, क्या अभी तक आप उस दीवाने के ख्याल में हैं? उस दीवाने के ख्याल में हो या ना हो, लेकिन हम ये शादी नहीं होने देंगे। सिर्फ बेवकूफ और बदतमीज नहीं बल्कि पागल भी है। कल सुबह उसने हमारे नाश्ते के फ्राई अंडे में अपना सिगरेट बुझा दिया। हमने समझा गलती से हो गया होगा, लेकिन आज वो हमारी सफेद मूंछों से खेलने लगा और हमारी कमर में हाथ डालकर ऐसे नाचने लगा जैसे हम 16 साल की लड़की हो। दाऊ जी, बोले बोले मूंछो बोले बौजी के बौजी दाऊ जी, नहीं कभी नहीं, कभी नहीं बनेगा ये पागल हमारा दामाद। सुन लिया तुमने पूनम? दिल फाई कर, दो कोका कोला ला, एक आमलेट ला, जल्दी कर उधर पानी दे, ये ले जल्दी जल्दी सावाज। बस आपका साहब साहब आपका ये क्या कर रहा है? आप उन साईं बाबा से मन्नत माना था कि जिस दिन तू पूरा हफ्ता काम करेगा ना उस दिन हम 100 रुपया तेरे सर से वारेगा। तू मन्नत मान रहा है और मैं सोच रहा हूँ काम धंधा छोड़कर कहीं चला जाऊं। फिर वही कित कित, मेरे बाप अगर काम धंधा नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से, जिंदा कैसे रहेगा? जिंदा रहने ही कौन चाहता है? ऐसा कौन सा कयामत आयल है यार? कभी मोहब्बत में ठोकर खाई होती तो पता चलता कौन सी कयामत आ गई। उनके बगैर तो खाना पीना सोना जागना जीना सब हराम हो गया। समझ नहीं आता क्या करूं। आप बताए, तू वापस चला जा, वो एक राजकुमारी है उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होएगा। ढूंढना तो मुश्किल नहीं होगा लेकिन किस मुंह से जाऊं, उन्हें तो मेरे नाम से भी नफरत होगी होगी। पर ये भी तो हो सकता है यार कि तेरी असलियत सुनकर वो तेरे लिए तड़प रही हो और तुझे देखते ही वो तेरे साथ शादी बना ले और साथ में अपनी रियासत का राजा। एक बार राजा बनकर देख लिया, अब दूसरी बार बनने की तमन्ना नहीं। हाँ अगर वो भी मेरी तरह एक मामूली इंसान होती और मुझे अपने दिल का राजा बना लेती तो सच कहता हूँ, लेकिन सच तो ये है कि ना तो वो एक मामूली इंसान है और ना मैं किसी की मेहरबानियों का सहारा लेकर राजा बनना चाहता हूँ। गरम पानी नहीं चाहिए, ठंडा लाओ, कुछ नहीं चाहिए मालती। अब हमें ये सब आराम छोड़कर एक मामूली इंसान की तरह जिंदा रहने की प्रैक्टिस करना है। वो क्यों? क्योंकि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है वो खुद एक मामूली इंसान है। ओह तो क्या, मैंने समझा मजाक है, खत्म हो गया। अब तो ये मजाक
जिंदगी के साथ खत्म होगा। राजू, ए राजू, वाले वाले का चालान तो भूल गया। कौन है? कैश वाला। कितना देर में आया? कनेक्शन कहाँ करना है? अंदर। आपने मुझे पहचाना कैसे जी? मैं पूनम हूँ जो कश्मीर में तुमसे मिली थी। लेकिन लेकिन पूनम और राजकुमारी जी तो वही हैं। नहीं, मैं राजकुमारी नहीं हूँ। जिस तरह राजा साहब बनकर तुम वहाँ गए थे, उसी तरह मुझे राजकुमारी बनाकर वहाँ भेजा गया था। लेकिन पूनम की आंखें तो नीली थी, यही ना? ये देखो, ये है वो कांच के टुकड़े जिन्हें राजकुमारी बनने के लिए मैंने अपनी आंखों पर लगाया। मेरा विश्वास करो राजू, तुम्हारी तरह मेरी गरीबी का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी से खेला गया। चंद दिनों के लिए राजकुमारी बनाकर एक नाटक रचने के लिए कहा गया, लेकिन वो नाटक, वो खेल एक बंधन बन गया। मैं तुमसे प्यार करने लगी राजू, और तुम्हें असलियत न बता सकी क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम उसे नफरत न करने लग जाओ। मेरी तरफ यूं शक की नजरों से मत देखो राजू, तुमने भी तो मेरी तरह झूठ बोला था। राजा साहब बनकर मुझे मिले, झूठे प्यार का नाटक रचाया था, जीवन भर साथ रहने का वचन दिया था, और इससे पहले कि मैं तुम्हें सब कुछ बता देती तुम अचानक ही छोड़कर चल दिए। एक बार भी पलट कर नहीं देखा, वो कसने वाले सिर्फ बातें बनकर रह गई थी तुम्हारे, और मैं पागल हुई थी। मुंबई की हर गली हर पूजा छान मारा, लेकिन तुम जब मिले, और आज मिलने पर भी तुम्हारी निगाहें मुझे इल्जाम देती। आज इस छोटे से झूठ इस नाटक के लिए क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? इसमें माफ करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना कसूर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी, जितना झूठ तुमने बोला उतना ही मैंने भी। लेकिन भगवान का शुक्र कि वो झूठ था, अगर सच होता तो जिस तरह आज मिले शायद कभी ना मिल पाए। पूनम, आज मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई दीवार नहीं, मैं एक मामूली इंसान हूँ और तुम मेरी मामूली जानी। तू जंगल की मोरनी थे मैं बागा दा मोर, के लुक चुप चोरी चोरी के लुक चुप चोरी 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 लुक चुप आ तो बाता कर लइए, बाता कर लइए, मुलाकात कर लइए। मेरा नाम है चांदनी ते तेरा नाम चकोर, के लुक चुप चोरी चोरी के लुक चुप चोरी 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 लुक चुप आ तो बाता कर लइए।
गोरा तू मस्त कटा गंधोर के लुक चुप चोरी चोरी के लुक चुप चोरी 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 लुक चुप आ दो पाता कर लइए जंगल की मोरनी से मैं बागा दा मोर के लुक चुप चोरी चोरी के लुक चुप चोरी 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 लुक चुप आ तो पाता कर लिए चाय गर्म होती है चाय में उंगली डालेंगे तो जल जाएगी। मेरा मतलब है ये लोग इतने गंदे क्यों होते हैं? देखो ना ये कप टूटा हुआ है, इसमें जर्म्स भी तो हो सकते हैं। क्यों वैसे राजकुमारी बन गया? बन तो नहीं गई, लेकिन इतने दिन राजकुमारी की एक्टिंग क्यों की है? जल्दी से भूल जाओ तो बेहतर है, वरना मेरे घर आकर फिर तुम्हारा घर है नहीं तो हो जाएगा। पूनम मैं सोच रहा हूँ जल्दी से एक छोटा सा घर बना लूं, जिसमें मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहें। तुम सोच रही हो घर बनाने के लिए मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, यही ना? नहीं। झूठी। अरे पगली तेरा राजू गरीब सही अनपढ़ सही, लेकिन इतना तो जानता है कि शादी करने के लिए एक घर की जरूरत होती है, घर बनाने के लिए पैसों की और पैसों के लिए काम की। मैंने कल से 3 जगह काम करने का फैसला कर लिया है। 3 जगह? हाँ, दिन पाली, रात पाली और आम्र पाली। ओवर टाइम। तो फिर किस वक्त मिला करोगे मुझे? बीच बीच में। कितने बजे हैं इस वक्त? जितने इस वक्त कल बजे थे। शायद मुझे देर हो रही है, इसलिए तो घर बनाने की सोच रहा हूँ, ना कभी देर हो ना अंधेर। जिसमें रहे कुनबा हमारा एक डोंगा कुनबा
हमेश बाहर, हमेश बाहर। तुम्हारे लिए एक और छोटा सा गेंदे का फूल। हमेश बाहर, क्या हमारी शादी के बाद भी तुम्हारा बाप हमारा पीछा करेगा? क्या? मेरा मतलब है हमारे साथ जबरदस्ती रहेगा। तुमने हमारे बाबा से शादी का बात की है? बस हमेशा बात ही तो नहीं होती हमेश बाहर, तुम्हारे बाप के सामने जाते ही मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है। सिर्फ जुबान ही नहीं, मोने बे, तुम्हारा बाप हमको देखते ही तुम्हारा बदन कांपने लगता है, थर्राने लगता है। क्या करूं, आपकी शक्ल ही ऐसी है ससुर जी। क्या कहा? देखो, अगर तुमको हमारी बेटी से शादी करना है तो तुमको हमारी तरह ताकतवर और मजबूत बनना पड़ेगा। हम अंदर से बहुत ताकतवर और मजबूत हैं, बाहर से हम आपको ऐसा लगता है, लेकिन हमको हमारी बेटी के लिए अंदर बाहर एक जैसा चाहिए, समझे? औलाद की तरह बात, बाहर की तरह सीना, समझे? समझ गया, हम मजबूत बनने की कोशिश करेगा। चालीस पे चार, चालीस पे पांच, शाबाश, चालीस पे छह, चालीस पे सात, वाह वाह, चालीस पे आठ, चालीस पे नौ, पचास, वाह वाह, चालीस पे दस, करेक्ट, सत्तर, अस्सी। ठहरो ठहरो ठहरो, आप कुछ गलती करता है। कोई गलती नहीं ससुर जी, आप दोबारा देखिए, देखिए, नब्बे, नब्बे, सौ, शाबाश, सौ, एक सौ दस, एक सौ बीस, ए चार सौ बीस। ससुर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम हिसाब में कुछ गलती करता है, तुम सब गलत गिनता है, ये सब फिर से होगा। क्या फिर से होगा? वर्जिश फिर से करना पड़ेगा। अरे फिर से? हाँ, लेकिन वो गया कहाँ होगा? पैसा कमाने, उसे मकान जो बनाना। आग लगे ऐसे मकान को, दिन रात काम करता है, भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो। आप राजू नाम का किसी आदमी? क्या हुआ राजू को? वो देखो, राजू, 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 क्या हुआ इसे? डॉक्टर ने कहा इसे सिर्फ नींद का जरूरत है। अच्छा, इसे यहाँ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। राजू उठो ना, उठो ना राजू, कितनी देर सोओगे राजू? कितने बजे होंगे? जितने इस वक्त कल बजे थे। तो फिर मुझे जाना चाहिए। आज तुम काम पर नहीं जाओगे? नहीं, काम पे नहीं, मकान देखने जाना। मकान थोड़ी भाग जाएगा, कल ले लेना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो शिवदसानी है ना, हाउस एजेंट, उसके पास जाना मकान देखने के लिए। ये देख, कितने ढेर सारे पैसे लाए। इतने सारे पैसे? चल। लेकिन कहाँ? चलो तो सही। तेरे जी उधर बैठने का कमरा देखा नहीं, ये सोने का कमरा है। क्या हम लोग यहाँ बैठ नहीं सकते? काफी बड़ा है, 15x12 का है। कौन सी बाई का? राजू मजाक मत करो, आगे बढ़ो। ये देखो सेठ जी, ये बड़ी बाथरूम है, बाथरूम। पानी तो 24 घंटे आता है ना? 24 घंटे, 24 घंटे। राजू माफ करना, मैं समझ, ये टूटी उसी फुव्वारे की है। कोई बात नहीं बड़ी, कोई बात नहीं। आओ आओ बहन जी। राजू मैं भीग गया। क्या भीग गए? शेर जी मकान आप अपने लिए ले रहे हैं ना? घर पसंद है आपको? अच्छा है। अच्छा है, बताओ कितना देना होगा? कुछ ज्यादा नहीं सेठ जी, 3 महीने का एडवांस, 1 महीने का चालू कराया, 2 महीने की दलाली, कुल मिलाकर 1790 रुपए। और पगड़ी का रेट भी पता होगा आपको। लेकिन मैं पगड़ी लेने नहीं आया, मैं मकान लेने आया हूँ। बम्बई में पगड़ी लेनी नहीं, देनी पड़ती है सेठ जी, और पगड़ी का रेट है 15,000, कुल मिलाकर 16,790 रुपए। सेठ जी ये सोने का कमरा नहीं है। 380 रुपए लाइए, 380, और ये
सब मिला के हुए 1270। लेकिन उस फ्लैट के लिए तो चाहिए 16,790 रुपए। आप उनको एक आइडिया आया, उधर बाजू में एक बुढ़ी रहती है, उसके पास कुछ जमीन खाली है, आपन तो बोलेगा कि तुम लोग दोनों मिलके उधर खोली बना लो। खोली? खोली, झोपड़ा, तुम लोग चाहे उसे बंगला बोलो, है? चलो आपन तुमको जगह दिखाएगा। आओ। बाबा, ए बाबा, हाँ? बाबा ये रिश्ता मान लो ना, हम उसको बहुत प्यार करता। ओहो, अरे हम भी उसको प्यार करता, हम भी ये चाहता कि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ कर दे, लेकिन वो बहुत कमजोर आदमी है। हम उसको बोला कि लकड़ी का बोझ उठा, वो बोला हम नहीं उठा सकता। तुम भी कमाल का आदमी है, लकड़ी का बोझ का और हमारा शादी का उससे क्या ताल्लुक? इस बच्ची को कैसा समझाएगा? अरे बाबा बहुत बड़ा ताल्लुक है। अरे जो आदमी लकड़ी का बोझ नहीं उठा सकता, वो हमारी बेटी का बोझ कैसा उठाएगा? जरूर उठाएगा। क्या हुआ तुम्हारे पास? बाबा पीछे देखो। ससुर जी, हम आपकी लड़की का बोझ भी उठाएगा और लकड़ी का बोझ भी उठाएगा। लकड़ी का? शाबाश। अरे इधर था ना, किधर गया? ए बदमाश, बेईमान, लकड़ी को झाड़ पे रख दिया। सुनो बेटी, तुमने हमें गलत समझा है, तुम्हारे जितनी हमारी बेटी नहीं पोती है। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम दोनों को इकट्ठा देखना चाहते हैं। ना बाबा ना, मी सांगितलं ना, मी ना येते तुझ्या बरोबर, मोहल्ले वाले काय बोलेल, मैं इतनी बड़ी मोटी गाड़ी में जाऊंगी तो। अच्छा सुनो, हम तुम्हारे लिए टैक्सी ले आते हैं। चाहे साइकिल आन ना तो टैक्सी, मी ना येते तुझ्या बरोबर। अच्छा बेटी, तुम हमें अपना घर दिखा दो, हम अपनी पोती को यहीं ले आते हैं। ठीक है, मी येते तुम्हारे साथ। शाबाश। बैठो, यहां नहीं। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? जयश्री। मालती। मालती राजकुमार से नाम है? नहीं। मालती। यस योर हाइनेस। इधर आओ। तुम भी धोखा खा गई ना? जी। ये पूनम नहीं, जयश्री। मैं भी यही सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है, ऊपर भी राजकुमारी नीचे भी राजकुमारी, आम की सूरत इतनी मिलती जुलती है। हाँ। जाओ राजकुमारी को नीचे ले। जी। पूनम कहाँ है? जी अपने कमरे में है। उसे नीचे लेकर आओ। बहुत अच्छा। चलो हम खुद भी आते हैं, जब तक हम वापस ना आ जाएं तुम यही ठहरो। तुम्ही सांगे तो जिंदगी भर इससे रहना। ठीक है, या हम बाद में सोचेंगे। कहाँ है पूनम? जी जी वो नहा रही है। नहा रही है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा तो खुला है। दरवाजे का क्या है? मैं बंद कर देती हूँ।
लेकिन अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे तो आ रही है योर हाइनेस, शावर के नीचे राजकुमारी गुनगुना रही है। गुनगुना रही है और आवाज सिर्फ तुम्हें आ रही है। जी आपको हो क्या गया है दाऊ जी, दस्तक दी होती हमें पुकारा होता। ओ बेटी, हम ये समझे थे कि तुम अंदर नहीं हो। खैर, वो लड़की नीचे आई हुई है जिसकी शक्ल तुमसे मिलती जुलती। ओ रियली, तो आपके लिए हम अभी कपड़े पहन के आते हैं। गुड, ओके। राजकुमारी जी, आपकी आंखें। मूला सिंह, मूला सिंह। यस सर। लड़की किधर है? लड़की सरकार, वो तो बाहर है, शी इज आउटसाइड। तुमने उसको रोका नहीं? सरकार मैंने बहुत रोका मगर वो मानी नहीं, शी डिड नॉट केयर एनीवन। तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? एक्सक्यूज मी सरकार, वो जो मेरे डैडी थे ना, लेट फादर, वो मरते समय कह गए थे कि बेटा शरीफ लड़के लाइक मी लड़कियों का पीछा नहीं किया करता। ओह यू शट अप नॉनसेंस, नॉट टू फॉलो गर्ल सर। काका ये पौधा लीजो। हाँ हाँ ले जाना, लेकिन अभी अंदर चलो। सरकार, कंवर साहब का फोन आया है। कंवर का टेलीफोन। योर हाइनेस। यस। राजकुमारी ने इसे ऊपर बुलाया है। ठीक है, हम भी ऊपर आ जाएंगे। आओ बुले पा लीजा, शायद राजू वहां आएगा, हम इसे बगैर बताए यहाँ आ गए। लेकिन दाऊजी तुम फिक्र मत करो, हम अभी कपड़े बदल कर दाऊजी से कह देंगे कि वो लड़की हमसे मिलकर चली। बोलो बेटी, तुम अकेली हो, वो लड़की कहाँ गई? हमसे मिलकर चली गई दाऊजी। आप वाकई ठीक कह रहे थे, उसकी शक्ल हमसे काफी मिलती जुलती है। हम तुम दोनों को इकट्ठा देखना चाहते थे, इसीलिए हम उसे यहाँ लेकर आए थे, और तुमने उसको रोका तक नहीं। उसे फिर कभी मिल लीजिएगा, मालती उसे छोड़ने गई, उसका घर दिखाएगी। अब हम जाएं, हमारी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है। मूला सिंह, मूला सिंह। यस योर हाइनेस। तुमने मालती के साथ किसी और लड़की को बाहर जाते देखा है? जी नहीं सरकार, वो तो यहाँ से अकेली गई है। कौन एलोन सर? ये तो अच्छा हुआ कि दाऊजी को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन ये बात आप उनसे कब तक छुपाए रखेंगे? हम तो ये सोच रहे हैं कि हम राजू से कब तक छुपाते रहेंगे, आखिर एक नए दिन तो हमें पता नहीं होगा कि हम राजकुमारी हैं। ये सब जानने के बाद भी आप पूनम से शादी करने के लिए तैयार? क्यों नहीं दाऊजी, ऐसी गलतियां तो बचपन में हर इंसान से हो जाती है। तो फिर इसका एक ही तरीका है, हम पूनम पे ये जाहिर ना होने दें, हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। इससे पहले के इतराज का कोई भी लफ्ज वो अपने मुंह से निकाले, उसका रिश्ता हम आपसे तय करते। आपने सही फरमाया दाऊजी। दो जिस्म एक जान, जैसे मैं और तुम। क्यों बोलो? हाँ क्या हुआ? ये देखो ना। तो क्या हुआ? मिट्टी कितनी नहीं आ जाएगी। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। ये देखो। पर ये तो प्लास्टिक के फूल हैं। खूबसूरत तो है लेकिन बनावट। पूनम, इस घर में बनावट की कोई जरूरत नहीं, बुनियाद प्यार मोहब्बत और सच्चाई पर डाली गई है, और यही चीजें इस घर की शान है, इस घर की खूबसूरती है। याद है पूनम, एक बार कश्मीर में
मैं सत्यम शिवम सुंदरम का श्लोक सुनकर डर गया था, लेकिन आज आज ऐसा लग रहा है कि वही श्लोक तुम्हारा रूप धारण करके मेरे सामने आ गया है। और मैं क्या हो गया तुम? कुछ नहीं, मुझे देर हो रही, मुझे जाना चाहिए। घर तैयार हो गया है, अब तुम यहाँ आकर क्यों नहीं रहती हो? शादी से पहले लड़कियाँ अपने होने वाले पति के घर नहीं रहती। तो फिर देर किस बात की है? बाजू में मंदिर है, चलो चल के शादी कर ले। आज नहीं, कल। कल भी नहीं। तो फिर परसों पक्का। उधर सूरज चलेगा और किधर मैं घोड़ी पर सवार हो जाऊंगा। अच्छा बाबा, अच्छा मैं चलूं। उधर मैं भी चलता हूँ। क्यों, अब तुम यहीं रहो? नहीं पूनम, घर घर वाली से होता है। ये घर अब उसी दिन बसेगा जिस दिन तुम प्रेम कर यहाँ। पूनम जी, आपको हमारी शादी की पार्टी पे आना ही होगा। हम भी वादा करते हैं कि हम आपकी शादी के रिसेप्शन पे जरूर आएंगे। गरीबों की सिर्फ शादी होती है राजा, रिसेप्शन नहीं। गरीब? वो तो सिर्फ राजू है। तो आप क्या समझते हैं, एक गरीब के साथ शादी करके मैं राजकुमारी ही रहूंगी? तो शादी के बाद जैसे सभी लड़कियां अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाती, उसी तरह मैं भी चली जाऊंगी। एक छोटा सा घर बनाया है हम दोनों। तो उसे भी बुला लीजिए आज शाम को। उसे नहीं बुला सकती, उसे तो अभी ये भी नहीं मालूम कि मैं एक राजकुमारी हूँ। लेकिन ये बात आप उससे कब तक छिपाएंगे? आज रात आपकी पार्टी के बाद मैं दाऊजी से बात करूंगी कि अपनी रियासत दौलत और जायदाद से मुझे कोई वास्ता नहीं, और फिर सचमुच एक मामूली इंसान बनकर अपने राजू के पास चले जाऊंगी। भगवान आप दोनों को सुखी रहे, लेकिन आज शाम को हमारी पार्टी पे जरूर आइए। हाँ, शादी? हाँ। आप उनको डेमेलो साहब बोला कि आज शाम राय साहब का शादी का पार्टी है, उनको नहीं बुलाया? नहीं, बड़े लोग ही शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। सुनिए जी, क्या आप बता सकती हैं कि पूनम कहाँ है? पूनम? जी हाँ, जो यहाँ रहती है। वो नौटंकी वालिया? वो यहाँ रहती नहीं है, एक आध घंटे के लिए आती है। नहीं, सिर्फ आती है। फिर जाती भी है। एक आती है चमकीली भड़कीली साड़ी और नीली आंखों में, और जाती है तो खादी भंडार की साड़ी और काली आंखों में, और दूसरी आती है जवान और जाती है बुढ़ी। जेंटलमैन, इस वक्त जबकि आप सब लोग यहां मौजूद हैं, जिनको हमारी और राजकुमारी पूनम की खुशी अजीज है, हम आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आज हम अपनी पोती राजकुमारी पूनम और कुंवर बलभद्र सिंह जी की सगाई अनाउंस करते हैं। राजकुमारी जी, राजू, सगाई मुबारक हो। राजकुमारी जी, भगवान करे वो घर फूले फले हमेशा बसा रहे जिसमें आप दुल्हन बनकर जा रही हैं। मुझे मालूम न था, वरना इस खुशी के मौके पर चंद फूल आपके लिए जरूर लाता। राजकुमारी जी, फूल नहीं लाए? कोई बात नहीं, फूलों की तरह महकता हुआ एक गीत ही सुना दीजिए। आप तो बहुत अच्छा गाते हैं राजा साहब। राजा साहब तो एक ख्वाब था जी, जो टूट गया। लेकिन राजू का मजाक उड़ाने से अगर राजे रानियों का दिल बहलता हो तो राजू जरूर गाएगा जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस मुबारक मौके पर हमारे खास मेहमान राजा साहब आप सबको खुशी का एक गीत सुनाएंगे।
किस्मत में कांटे वो ख्वाब न देखे कलियों के कलियां महलों की रौनक और कांटे राही गलियों के राजू का था एक ख्वाब राजू राजा राजा सा राजू का था एक ख्वाब राजू राजा राजा सा राज था ना ताज था फिर भी मैं था राजा सा राजू का था एक ख्वाब राजू राजा राजा सा राजू का था एक ख्वाब राजू राजा राजा सा शरीफ घर के मेहमानों और मेजबान से इजाजत लिए बगैर चले आना कहाँ की तहजीब है रस्ती भर भी खाली आ तुम और उनकी इज्जत का उनके साथ साथ आपकी भी इज्जत का ख्याल है दाऊजी इसलिए खामोशी से चली आई वरना जिस तरह मुझसे पूछे बगैर आपने एक अनाउंसमेंट कर दिया
मैं भी एक अनाउंसमेंट कर देती कि ये सगाई मुझे मंजूर नहीं और मेरी मर्जी के खिलाफ है। ये हमारा फैसला है पूनम, और तुम जानती हो हमारे फैसले बदला नहीं करते। तो फिर राजा साहब से मेरी शादी का फैसला आपने कैसे बदल? वो तुम्हारे काबिल नहीं था। और आप क्या समझते हैं, आपके ये कुंवर साहब इस काबिल हैं? पूनम, जानते हुए भी कि मैं राजू से प्यार करती हूँ, ये मुझसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहते हैं कि मैं एक रियासत की वारिस हूँ। लेकिन सुन लीजिए, आज के बाद मुझे उस दौलत रियासत जायदाद से कोई वास्ता नहीं, कोई सरोकार नहीं। जानती हो तुम क्या कर रही हो? हर हिंदुस्तानी लड़की की तरह मैं के धन दौलत और लाड प्यार मैके में छोड़कर ससुराल जाने की बात कर रही हूँ। ससुराल? उस अनाथ का घर क्या तुम्हारा ससुराल बन सकता है? वो घर मैंने और राजू ने अपने हाथों से बनाया है। उसकी बुनियाद है सच्चाई, प्यार मोहब्बत है उसकी दीवारें, एक दूसरे के लिए त्याग उसकी छत और मन की शांति उस घर की सजावट है। अब आप ही बताइए, अगर वो घर मेरा ससुराल बनने के काबिल नहीं तो क्या इनका घर है जिसकी दहलीज को मेरा नहीं मेरी दौलत का इंतजार है? दौलत दौलतमंदों के पास ही जाती है और राजकुमारियां राजाओं से ही भेजी जाती है। राजा रानियां जिस तरह इतिहास की बात बनकर रह गए हैं, उसी तरह ऊंच नीच की बातें भी पुरानी हो गई हैं। जिस तरह कल के राजा आज के मामूली इंसान है और किसी पर हुक्म नहीं चला सकते, उसी तरह आज का हर मामूली इंसान अपने दिल का राजा आप है। लेकिन मैं भी इस वक्त एक राजा की हैसियत से नहीं, एक बूढ़े बाप की हैसियत से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक बाप हुक्म चलाने की बजाय अपनी बेटी के जीवन को खुशियों से भरने की कोशिश करे तो उसमें बाप की इज्जत कम नहीं हो जाएगी। पूनम, तुम सिर्फ दाऊजी की पोती ही नहीं, हमारी मंगेतर भी हो। मेरा हाथ छोड़ दीजिए कुंवर साहब। हरगिज नहीं। रुक जाओ। राजकुमार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना, ये मजाक तो जिंदगी के साथ ही खत्म होगा। लेकिन राजकुमार जी, मालती तुम ये नहीं कर सकते। आप यहाँ से चली जाइए राजकुमारी जी। नहीं, भगवान के लिए आप यहाँ से चली जाइए। नहीं, तुम इस घर को नहीं जला सकते, इसी के भरोसे तो मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूँ। आप दोबारा झूठ को सच करना चाहती हैं राजकुमारी जी। मुझे बनावट की हर चीज से नफरत है, इस घर से, इस रिश्ते से, इस राजू से, जो खुशियों की खोज में अपना आप भूल गया, अपने आप को छोड़कर कुछ और बन गया। आज आज राजू और उसके झूठे अरमानों को जलकर खाक हो जाने दीजिए। ये मेरा घर है, ये मेरा राजू और मेरे अरमान एक हैं। नहीं, राजू अकेला था, अनाथ ही रहेगा, उसका कोई नहीं, ना खुशी, ना प्यार, ना घर। आपका तो घर महल मंगेतर है। राजू, समझने की कोशिश करो, आज की पार्टी और अचानक तुम्हारा आना सब मेरे जीवन से खिलवाड़ कर दिया। मैं जिन खुशियों को बचाने की कोशिश कर रही थी, जिस प्यार को पाने के लिए झूठ तक बोलने के लिए तैयार हो गई थी, उसे एक झटके में मिटा गया। तुम मेरी बात सुनने से पहले सब कुछ कह गए और मुझे समझने से पहले चले गए। राजू, मेरे दिल में देखो, वो राजकुमारी का नहीं, एक इंसान का दिल है, एक औरत का दिल। आपने एक बनावट को अपनाया था राजकुमारी जी, आप चली जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं राजकुमारी की सारी बनावट राख करके आई हूँ, इस भरोसे कि ये घर ही मेरी जिंदगी होगा। घर औरत का होता है राजू, और तुम्हें इस घर को बनावट का कलंक लगाकर जलाने का कोई अधिकार नहीं। किसकी बुनियाद झूठ पर रखी गई है? नहीं, ये घर ही मेरी सच्चाई है, मेरा आसरा है। मैं अपने पति, अपने घर संसार के साथ चलकर राख हो जाऊंगी। अगर यही मेरी अग्नि परीक्षा है तो इसे भी हो जाने दो। राजकुमारी जी, मुझे पूनम कहो राजू, पूनम, मैं तुम्हारी हूँ, बनावटी नहीं, असली, तुम्हारे घर की रौनक, तुम्हारे प्यार की सच्चाई, मुझ पर विश्वास करो
पूनम 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 पूनम। विश्वास करो राजू, राजू पूनम 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 बेटी, पूनम बेटी तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम ठीक हो ना बेटी? बेटी हम तुम दोनों से हार गए, अब तुम दोनों हमारे साथ चलो। नहीं बाबा, हम अपना संसार यहीं बसाएंगे। लेकिन बेटी तुम्हारी रियासत धन दौलत वो सब यतीम खानों में बांट दीजिए। मैंने वहां से बहुत बड़ी दौलत हासिल की। चलो राजू हम अपना घर बचाएं। चलो टूटे डोरी सांस की, टूटे डोरी सांस की ना टूटे प्रेम की डोर के लुक चुप चोरी चोरी के लुक चुप चोरी 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 लुक चुप दो माथा कर लिए जंगल की मोर नीचे मैं बागांदा मोर के लुक चुप चोरी चोरी के लुक चुप चोरी 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 लुक चुप आ दो बात कर लिए।